लुधियाना से विधायक देवेंद्र सिंह बबली के पैतृक गांव बढ़ई खेड़ा में मधुर मिलन समारोह और धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, राज्य मंत्री अनूप धानक और गुलाचिका से विधायक ईश्वर सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों के लिए बड़े गांव को 30 लाख की ग्रांट दी और वहीं छोटे गांव को 15 लाख की ग्रांट दी गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर गांव में विकास होगा, हॉस्पिटल, सड़कें और स्कूल बनेंगे और नशा का जल्द खात्मा होगा। कि जब लोग दीवाने जब्त कराने की बात किया करते थे, मैं तो आज इस मंच पर खड़ा होकर बड़े उत्साह के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों की बदौलत थी कि हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जीत देने का काम आप लोगों ने। साथियों, जब बबली जी साथ आए और मेरे को आपके शहर के अंदर नॉमिनेशन वाले दिन आने का मौका मिला, तो मैंने एक चीज कही थी कि आज सुहाणा के अंदर एक नई ताकत और एक देवेंद्र बबली जी और एक निशान सिंह जी जब जुड़ गए तो 11 की ताकत से इस चुनाव को लड़ने का काम करे और वो नतीजा पूरे प्रदेश के अंदर अपने आप में एक मार्कपिन बना कि ऐसी परिस्थिति जहां उस समय के सरकारी अमले का पूरा जोर शोर था, आप जैसे आम नागरिक ने ये फिर ये नहीं सोचा बबली का चुनाव था, ये सोचा मेरा खुद का चुनाव था, उस मेहनत से काम कर कर 1 लाख से ज्यादा वोट जननायक जनता पार्टी के हिस्से में डालने का था। और साथियों, ऐसी प्रदेश में परिस्थिति बनी कि एक स्थायी सरकार प्रदेश को मिले, प्रदेश प्रगति के पथ पर चले, ये निर्णय तमाम विधायकों ने मिलकर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई जाए। मैं तो तमाम विधायक साथियों का आभारी हूँ जिन्हें ये निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर छोड़ा और आज ये नतीजा कि 11 महीनों की आपकी मेहनत के अंदर आज आप सरकार के हिस्सेदार, आज आप निर्णय लेने में हिस्सेदार, आज आप अपने विकास कार्यों को पूर्ण तौर पर कंप्लीट कराने के लिए आज इस सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं। और मैं ये मानता हूं कि सरकार के अंदर जब हम सब ने मिलकर निर्णय लेने शुरू करें तो जो जन संकल्प पत्र आपकी पार्टी का था उसकी भी डिमांड दिन प्रतिदिन पूरी होने लगी। मुझे याद है पहली कैबिनेट की बैठक थी, जो वादा हमने युवा साथियों के लिए लिया था कि पेपर देने दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा, 50 किलोमीटर से दूर जाना नहीं पड़ेगा, पहली कैबिनेट ने उस निर्णय पर मोहर लगाने का काम। और साथियों, दिन प्रतिदिन चाहे गांव में शराब के ठेके बंद करने की बात, मैं देख रहा हूं कि 31 दिसंबर तक अधिकतम ग्राम पंचायतों ने मुहिम चलाई। मुझे याद है दुलाना के विधायक ने 36 ग्राम पंचायतों के ग्राम सभा के प्रस्ताव पारित कर देने का काम किया कि हमारे इन 36 गांवों के अंदर शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। साथियों, ये वादा है जिन ग्राम सभाओं ने लिख कर दिया है इस बार की टेंडर पॉलिसी के अंदर गांव में शराब के ठेकों की उपलब्धता नहीं, ये एक एक कदम है। मैं देख रहा था कि बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए कैबिनेट ने बढ़ाई, एक कदम है जो आपके घोषणा पत्र का हिस्सा था कि हम 5100 तक लेकर चलेंगे उसका। बहुत से साथी कहने लगे कि 250 के बढ़ाई, मैं तो आपसे पूछता, 6 साल इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में रही, 100 रुपए से 300 रुपए हुई, 6 साल में 200 रुपए बढ़े। 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, 300 रुपए से 1000 रुपए हुए, 10 साल में मात्र 700 रुपए बढ़े। ये तो आपकी
पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का मिलकर निर्णय था कि बुजुर्गों के सम्मान को 1 जनवरी से शुरू करना पड़ेगा। बजट का इंतजार करने की जरूरत नहीं, मात्र 62 दिन के अंदर सरकार बढ़ने पे 250 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम आपकी पार्टी। और ये तो शुरुआत, हमारा वादा है और उस वादे को इस सरकार के अंदर बैठकर हम पूरा करने का काम करें। जहां कॉलेज की बात, मैंने स्वयं देखा है, फतेहाबाद सिरसा ये वो जिले है जहां शिक्षा 2000 के बाद आने लगी। पहले तो यहां शायद 1 कॉलेज फतेहाबाद में हुआ करता था, 2 कॉलेज सिरसा में हुआ करते। आज तो सिरसा में यूनिवर्सिटी है, अपने यहां कॉलेज बन रहे। और विधायक जी, मेरी जब चर्चा हुई कि हमारे यहाँ कॉलेज की जरूरत है और हमने चेक करवाया तो कुमाड़ा के अंदर, शहर के अंदर जमीन, मेरे ख्याल से सरकार ने कॉलेज और शिक्षा के स्तर को उठाने का निर्णय ले रखा है। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बड़े गांव के अंदर भी उस कॉलेज को मूव कराकर बनाने की। साथियों, बस स्टैंड की बात, उसके ऊपर तो पहले भी ही भूमि के अंदर 4 बार डिमांड रख दी गई। मैं तो आग्रह करता हूं कुमाड़ा से निकलने वाले कोई रास्ते पर अगर कोई भी ग्राम पंचायत बस स्टॉप की व्यवस्था के लिए जमीन देने का काम करेगी तो सरकार को उसको भी मूव करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पर जहां विकास कार्यों की बात, मुझे याद है जब आखिरी सभा के लिए 16 तारीख की बात होगी तो आ गया हमारा मंच संचालक तो जी, 16 तारीख की थी, 17 को जब मैं आया था तो मैं तो पार्टी का घोषणा पत्र का उद्घाटन कर रहा था, पर नत्थू जी के चुटकुलों ने, उनकी बातों ने एक इतनी मोटी किताब मेरे हाथ में थमा दी। और उसके अंदर था कि टवाड़ा का घोषणा पत्र, और बड़ी अच्छी अच्छी कई चीजें उस घोषणा पत्र के अंदर दिखी थी, जहां छोटी छोटी गांव की गलियों के निर्माण की बात थी, पीने के पाइपलाइन को 100 फुट तक बढ़ाने की बात। ये तमाम कार्य 1 सेकंड में तो कोई पूरे नहीं कर सकता, पर हमारा वादा है कि टवाड़ा का घोषणा पत्र ये सरकार मिलकर पूरी तौर पर बनाने का काम करेगी। और आज जहां पंचायतों की बात, मैं तो ये वादा आज आपके बीच में करता हूं कि तमाम ग्राम पंचायतें, जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, घोषणा पत्र के अंदर से अपनी मुख्य घोषणाओं को, प्राथमिक घोषणाओं को ले 30 लाख रुपया प्रति बड़ी ग्राम पंचायत और 15 लाख रुपया प्रति छोटी ग्राम पंचायत की ओर से अपनी तरफ से देने का मैं काम करूं। साथियों, आज पहला कदम, और इस पहले कदम के बाद ये आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि मिलकर जो जिम्मेवारी आज देवेंद्र बबली जी के कंधों पर आपने डाली, ये जननायक जनता पार्टी का भी कर्तव्य बनता है कि उस जिम्मेवारी को मजबूती से एक एक साथी मिलकर निभाने का काम करेंगे। और आप विश्वास रखना कि टवाड़ा का विकास कोई ये कह दे भी उकलाना से, उचाणा से पीछे रहेगा, मैं ये आज वादा कर जाता हूं कि उचाणा से भी एक फालतू कार्य आपके हल्के में करवाने का मिलकर काम। और अब आपके हाथ में कि आप कैसे सामाजिक तौर पर इस टवाड़ा को सुधारने का काम करो। एक प्रश्न हर जगह उठता है, विधायक जी ने भी बात रखी नशे की। अगर आप ये सोचो पुलिस के साथी अकेले नशा रोक देंगे, नहीं रोक सकते। ये सोचोगे कि कोई और अधिकारी रोक सकेगा ये नशे के तस्कर, उसको भी नहीं रुकने देंगे। अगर ऐसी घटनाएं, ऐसी तस्करी, ऐसा व्यापार अगर किसी प्रकार से भी रुक सकता है टवाड़ा के अंदर या हरियाणा के अंदर, तो केवल मात्र समाज के जुड़ाव से, समाज की इन्वॉल्वमेंट से जुड़ सकते। आप लोगों को भी इनके साथ जुड़ना पड़ेगा, पुलिस के साथियों के साथ जुड़ के आप काम करोगे, ऐसे लोग जो तस्करी करते हैं उनको पकड़वाने का काम करोगे। एक वादा मैं करता हूं कि आज हरियाणा के कानून के अंदर प्रावधान है कि तस्करों को 1 महीने के अंदर अंदर बेल मिल जाती है। मैंने पंजाब का भी कानून उठाकर देखा है,
मैंने राजस्थान का भी कानून उठाकर देखा, ये विश्वास रखना उसको रेक्टिफाई कराकर अगली एक्साइज पॉलिसी के अंदर अगर कोई तस्करी करेगा उसको 6 महीने के लिए नॉन अवेलेबल अरेस्ट करने का काम हम करेंगे। ये वादा आपकी पार्टी का था कि इस नशे के व्यापार को कम नहीं प्रदेश में बंद करने के लिए बड़े कानूनी कदम उठाने का काम करेंगे, और मैं चाहूंगा कि इस मुहिम के अंदर सामाजिक कार्यों के अंदर विधायक जी और आप मिलकर इस मुहिम की शुरुआत टवाणा से करो, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस सी, एड्स, इस तरह की बीमारियां अगर कहीं से उभर रही है तो या तो घग्गर के पानी की वजह से उभर रही है या नशे की वजह से उभर रही है, और टवाणा उसके अंदर अपने आप में एक ऐसा एरिया है जहां दिन प्रतिदिन ये गतिविधियां बढ़ी। और मैं तो चाहूंगा कि आज इस नव वर्ष के अवसर पर मधुर मिलन समारोह में हाथ उठाकर आप सब संकल्प करोगे कि नशे के व्यापार के विरुद्ध लड़ाई में आप सब अपना योगदान देने का काम करोगे। मैं तो दोबारा विधायक देवेंद्र बबली जी का, तमाम हमारे विधायकों का, मंत्री जी का, प्रधान निशांत सिंह जी का, तमाम मंच पर बैठे अध्यक्षों का आभार प्रकट करता हूं कि आज नव वर्ष के इस अवसर पर इतनी तादाद में आप आए। दोबारा आप सबका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।